रोहिणी में बिल्डर माफिया की गुंडागर्दी, 62 साल की विधवा व निवास पर जानलेवा हमला। दरअसल रोहिणी जिले के थाना के एन काटजुमार इलाके की श्रीदेवी पत्नी स्वर्गीय राम लखन ने पुलिस को अपने व अपने बच्चों पर हमले व बिल्डर माफिया मनोज गर्ग व कपिल गर्ग तीन और गुंडों के साथ भूतल पर बने मकान की दीवारों की तोड़फोड़ करने की शिकायत दर्ज कराई। गुंडों की तोड़फोड़ के कारण पूरा मकान हिल गया और मकान में दरारें आ गई, जिसके बारे में टोका तो सीनियर सिटीजन विधवा बुजुर्ग के परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया और लाठी डंडों से मारने की कोशिश की। परिवार ने घर में बंद होकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने बयान दर्ज किए पर बिल्डर माफिया के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, पर उल्टा बिल्डर इस परिवार के दुश्मन बने बैठे हैं और गुंडों की तरफ घेराव कर जबरन मकान में तोड़फोड़ जारी है। अगर रोक नहीं लगी तो बड़ा हादसा होने के कगार पर। 62 वर्षीय हार्ट की मरीज विधवा की पुलिस के आला अधिकारियों से जान माल की गुहार, बिल्डर व गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज की गुहार। रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर बिल्डरों का गुंडा राज चल रहा है। आपको बता दें कि एक महिला का मकान जो G7 का 229 नंबर है, उस मकान के ऊपर इतनी दरारें आ चुकी हैं। दरारें आने का कारण ये है कि जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अनऑथराइज रूप से फ्लैट को तोड़कर जो दुकानें बनाई जा रही हैं, उसके कारण G7 के 229 के अंदर मकान के अंदर दरारें आ चुकी हैं, जो कभी भी गिर सकता है। अगर इस मकान की कंप्लेंट उस महिला वो जो मकान के अंदर रहती है उस महिला ने की, तो उसको मारने के लिए जो बिल्डर है उसके ऊपर डंडे लाठी डंडा लेकर मारने के लिए आए, जिसकी कंप्लेंट थाना केन काटुजा में दर्ज है। आइए जानते हैं उस महिला से कि क्या मामला है पूरा। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम सर श्रीदेवी है। मैडम, जो ये आपके मकान के अंदर दरारें आई हैं, हाँ, और जो कल आपको बिल्डर मारने आए हैं, क्या मामला है? वो इसलिए मारने के लिए आए थे, कह रहे कि नीचे है ना तो बोलेगी ना तो तेरे को फाड़ मारेंगे खींच के। मसाला बनाने वाले मिस्त्री 8 थे, 8 मिस्त्रियों को यही बोला, सबको बोला कि नीचे आ जा तू, पहले मेरे बेटे को मारने के लिए करा। मैंने यहाँ से बोला मेरे को क्या बात है, कह रहे तू आ ना नीचे, तू आकर गंदी गंदी गाली वाली दिया था, उसका नाम ये है पता नहीं क्या बता दें, नाम बता ना, कपिल है, श्री राम कपिल है, ये इनका भाई है, नीचे रहता है, दो भाई है तो पता नहीं सगे हैं, मुझे नहीं मालूम। मारने के लिए आ गए यहाँ तो इनके वजह से मेरे घर में सारी तड़ेर आई हुई है। दे दो सपोर्ट, दे दो, हम इनसे और कुछ नहीं चाहते। मतलब इन्होंने मकान के नीचे जो पिलर होते हैं डीडीए के, वो हटा दिए इन लोगों, हाँ हटा दिए, जिस कारण आपके मकान में दरार है। हाँ जी, अब मेरा पति नहीं है, कोई नहीं है कमाने वाला, तो आपने इसकी कंप्लेंट थाने में की? हाँ जी, इसने मारने की धमकी दी, बोला नीचे उतर क्या, नीचे उतर क्या, तो मैं बोली मकान रुक जा भी आ रही, फिर मैंने दूध उबाल ली थी, फिर मैं ताला वाला बंद करा गई, जब तक भाग्य करा 25 साल हो गए मुझे ये रहते, मगर 13 को 25 साल हो गए तो मुझे 40 साल हो गए ये रहते हुए, 20 साल से मैं इस मकान में रह रही हूँ, उससे पहले मेरा आगे मकान था G7 में। तो आप अब थाने में जो कंप्लेंट की उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अभी सर आए थे, वो कह रहे कि उसको बुला के पकड़ के सब बात कर लो, आपस में बात कर लो ऐसे। सर ये तो मुझे खतरा है, मैं तो नीचे जाने के लिए डर रही हूँ। मैं देखिए, अब पुलिस प्रशासन का भी इसमें देखिए कि आप उसको बुला लेते हैं और आपस में बैठ के निपटारा कर लीजिए, लेकिन किसी के जान के ऊपर बनाए, अगर कल को ये फ्लैट गिर जाता है तो क्या तब भी आपस में बैठ के निपटारा होगा? अगर किसी की जान चली जाती है इसमें, तो ये देख सकते हैं कि आप बिल्डरों का गुंडा राज जो है रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर चल रहा है और पुलिस भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब इसके कारण क्या है कि पुलिस और MCD इस पर कोई एक्शन लेती है कि ऐसे ही आंख मूंद कर बैठी रहेगी कि किसी बड़े हादसे का इंतज़ार करेगी? मैं जसविंदर सिंह, P24 न्यूज़, दिल्ली।